मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के डाइनिंग हॉल में परिचय और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर व काशी प्रांत के वर्तमान संगठन महामंत्री भवानी सिंह तथा रत्नाकर को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है तथा इस संगठन में कार्यकर्ता के रूप में या किसी दायित्व में रहकर कार्य करना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि आपको जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें और संगठन के वैचारिक अधिष्ठान के प्रचार प्रसार में कोई कसर ना छोड़ें। उन्होंने जनपद के क्षेत्रीय पदाधिकारियों से कहा कि आपको एक बहुत बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है, इसलिए आप लोगों को कार्य और व्यवहार से अपने आप को साबित करना होगा। उन्होंने कहा, जब संगठन और सरकार एक दल की हो तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है तथा जनता ने जो विश्वास भाजपा को दिया है उस पर सभी लोगों को खरा उतरना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में कार्य करके विकास को गति दिया है। सभी लोग केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच जाकर उनको जागरूक करें तथा जनता के बीच में सरकार की अच्छी छवि बनाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब सफलता संगठनात्मक होगी तो हमारा वैचारिक अधिष्ठान भी मजबूत होगा। उन्होंने पंचायत चुनाव की चर्चा करते हुए कहा, इसके लिए संगठन ने मानक तय किए। भाजपा केवल जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगी, बाकी पदों पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राम पंचायतों में गलत लोग चुनकर चले जाएं तथा सभी लोगों का यह प्रयास रहना चाहिए कि ग्राम पंचायतों में अच्छे लोग चुनकर जाएं और ये लोग भाजपा से भावनात्मक लगाव रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां अभी से शुरू कर दें। आगामी 24 मार्च को प्रदेश में भाजपा सरकार का 4 साल पूरा हो जाएगा तथा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार का कार्यकाल का 7 साल पूरा होगा। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर एक पुस्तक भी आपके बीच उपलब्ध होगा तथा संगठन की टीम इन उपलब्धियों को जनता तक ले जाए और इसके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के हर ट्वीट को रीट्वीट करने का आग्रह किया। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि वैश्विक महामारी से टेक्नोलॉजी के बल पर ही जीत रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीन पहले 3 अलग-अलग चरणों में लगेगा तथा आगे की भी प्रदेश सरकार की तैयारी पूरी है। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, संगठन महामंत्री भवानी सिंह, रत्नाकर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। Thank you.